हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है, आपके रिलेशनशिप या रिश्ते में कौन सा नया मोड आने वाला है। ओके, तो वीक बाय वीक हम ये टॉपिक का रिपीट करते हैं। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे एंड हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टैरो कार्ड से हम रीडिंग करते हैं और हमारे सामने हैं तीन टैरो कार्ड्स, ठीक है। तो आपको जो भी चुनना है वो आप चुन सकते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली एक टैरो लेके उससे रीडिंग करते हैं। जैसे कि ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी लगता है कि यू नो जस्ट लाइक ये आपके लिए है, तो आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, उसके हिसाब से आप अपने लिए जो सुटेबल है वो चेक कर सकते हैं। फिर अगर आपको तीनों देखने हैं, तीनों की रीडिंग, तो आप तीनों की रीडिंग वन बाय वन देख सकते हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग टैरो डेक हैं, तीनों में अलग अलग एनर्जीज हैं। तो जो एनर्जी आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, आप उस एनर्जी से रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये टैरो, ओके। सो चलो इसको थोड़ा सा रखते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, एंड लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। हमें करने हैं बस चार बार शफल। हरे कृष्णा। चलो हो गए चार बार शफल। अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है, आपके रिश्ते में कौन सा नया मोड आने वाला है। चलो देखते हैं पहला कार्ड। ओके ओके यस, चलो ये आ गया पहला कार्ड एंड ये है वो एट ऑफ सोर्ड्स। काफी दिनों बाद ये कार्ड आ गया। ओके, हर कार्ड में एक अलग चुनौती होती है और हर कार्ड अपने आप में बहुत ही अलग होता है। ओके, तो ये खासियत होती है टैरो की, कौन सी रीडिंग कैसे आ जाए, वी नेवर नो, ठीक है। सो जिन्होंने भी ये पाइल चुना है या फिर ये टैरो डेक चुना है, टैरो सेट, उसमें से पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो है एट ऑफ सोर्ड्स। यू कैन सी ये एक कार्ड है, आज मैंने लाइट बदल ली है, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिस कुड बी हैपनिंग के या तो आप या फिर आपका जो पर्सन है वो थोड़े से यू नो माइंड में कंफ्यूज है, आगे बढ़े या ना बढ़े, यू नो शायद से कोई बात उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, यू नो। कई बार हम अपने अंदर सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे ज़िंदगी में एक्चुअली चल कर रहा है, ठीक है, हम किससे बातें करते हैं, किससे नहीं बातें करते, या फिर हम बिजनेस में कहीं पे अटके हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमें शायद किसी से कुछ बातें करनी है लेकिन दिल चाहने के बाद भी हम वो बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये कोई ऐसा मसला हो सकता है, शायद बहुत दिनों से ये प्लानिंग चल रही होगी रिगार्डिंग शायद कोई कमिटमेंट का इशू, या फिर अगर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं वार्तालाप नहीं हो पा रहा है, जब भी बातें होती हैं तो शायद यू नो एक अलग ही एहसास होता है। शायद आपकी ज़िंदगी में किसी के लिए, आई थिंक सो जस्ट किसी के लिए शायद सेक्सुअलिटी ही सब कुछ हो सकती है, यू नो, एंड किसी के लिए शायद बात बन नहीं रही है। जितनी बार भी आप कोशिश कर रहे हैं साथ आने की एंड एक दूसरे को एक्सप्लेन करने की, अपनी वजह बताने की, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग के अब आगे क्या करना है, ये शायद इनको या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा। दिस कुड बी हैपनिंग, मतलब कई बार एक ऐसा ठहराव आता है जहाँ पे हमें रुकना ही पड़ता है। ओके, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था कि जैसे ही शाम ढलती थी तो लोग एक जगह पे इकट्ठा होते थे और वहीं पे डेरा डालते थे, फिर नेक्स्ट डे निकल जाते थे। तो वैसे ही यहाँ पे है, ये पर्सन फिलहाल के लिए तो किसी न किसी जगह पे रुका हुआ है, मतलब अपनी माइंड में। ओके, चाहकर भी ये शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मे बी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये खुल के आपसे बात करें, जो भी इनके दिल में या फिर जो भी इनके चाहत है, कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये, क्या आपके साथ आगे बढ़ना है, रिश्ता कंटिन्यू करना है, चाहे जो भी दिक्कतें आ रही है आप दोनों मिलकर शायद उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हो, है ना। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि वी विल सॉर्ट इट आउट। देखो, बोलने में तो यह बहुत ही ईजी लगता है लेकिन जब करने की बात आती है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। किसी फैमिली से मिलना, बातचीत करना, किसी के ऊपर कर्जा है, किसी को पैसे देने हैं, या फिर कोई अपने ही पास्ट में अटका हुआ है, उलझा हुआ है, यू नो, और उस रिलेशनशिप से ही नहीं निकला है, या फिर अभी रिसेंटली उनको अपने पास्ट का चेहरा दिख गया, या फिर कोई एक्स इनसे मिलने के लिए आ गया है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आपका कॉन्फिडेंस कब ढल जाएगा ये आपको खुद पता नहीं है। एंड आई थिंक ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो पर्सन है वो शायद कहीं ना कहीं अटक चुका है, ठीक है, और इस वजह से ये शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। सेकेंड कार्ड देखते हैं क्या है। ओके, ये आ गया सेकेंड कार्ड, यहाँ पे ही है अटका हुआ। यस, ये मिल गया। ओके चलो, ये तो है वांड का कार्ड, एट ऑफ वांड्स। ओके, दो दो एट आ गए, देखो व्हाट अ कॉम्बिनेशन।
एट ऑफ वॉन्ट्स है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। देखो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिख गया है, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज भी दिख रहे हैं और कैटरपिलर्स भी दिख रहे हैं। आई होप सो दिस आर द कैटरपिलर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इनका ऐसा मतलब निकाल सकते हैं कि ये शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन की फेज में है, ठीक है, या फिर एक ऐसा एक पल है जहाँ पे आप अपने पास्ट से भी जुड़ते हैं और अपने प्रेजेंट में भी कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा पल जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की जो शुरुआत हो चुकी थी, वो पल, वो एहसास और आज का एहसास, कहीं ना कहीं शायद दोनों में समानता भी है लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। कहने के तो शायद आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया है। आपने अपना पास्ट जो है तब से लेके अभी तक जो भी चीज़ें एक साथ की हैं या फिर जो भी पड़ाव अपने यू नो देखे हैं, फिर चाहे डिफ़िकल्टीज़ हो या फिर कोई और बात हो, आपने एक दूसरे का साथ हमेशा निभाया है। लेकिन अभी जो पल है, ये पर्सन दोनों जगह पे अटक चुका है, है ना। देखो ऐसा कहते हैं कि आप एक पल में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं जी सकते, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास मोबाइल है, टीवी भी है और लैपटॉप भी है। आप एक समय पे तीनों को ऑन करके नहीं बैठ सकते क्योंकि सिर्फ किसी एक की तरफ ही आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा। और आई थिंक यही बात हो रही कि ये पर्सन जो है वो शायद अपने पास से लेके अभी तक का जो एक ठहराव यू नो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो वहाँ पे अटक गया है। मे बी शायद आप दोनों ने अपनी दिल की बातें क्लियर नहीं की हैं, या फिर आपको लग रहा है कि शायद आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या फिर बिकॉज ऑफ द कोविड आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। आपकी शायद प्लानिंग थी लाइक फ्रॉम 17, 18 और 19 कि भाई जल्द से जल्द फिर हम साथ आएंगे, एटलीस्ट एंगेजमेंट हो जाएगी, कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन सब कुछ ठहरा हो गया, यू नो लॉकडाउन हो गया। एक दो साल से हम देख रहे हैं 20 से, तो अभी 21 भी हैं और अभी थर्ड वेव भी आने वाली है। सो यू नो यू स्टिल फील दैट कि समवेयर देयर आर मोर रिस्ट्रिक्शंस कमिंग, एंड ऐसे में कई सारे लोगों की जो भावनाएं हैं वहीं पे अटक चुकी हैं। वही किसी के पैसे अटके हुए हैं, किसी का जॉब चला गया है, किसी का बिजनेस ठप पड़ गया है। ओके, अब ये तो देखो अगर मैं ये बस यूँ ही बोलूँगा तो शायद आपको सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। बट जस्ट इमेजिन, आपने कोई किराए पे दुकान लिया है और किसी भी हालत में आपको उसका भाड़ा भरना है और आपके पास पेमेंट नहीं आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स हैं, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन आप दुकान खोल नहीं सकते। ऐसे में क्या करोगे? दुकान तो रखनी है, पैसों आ नहीं रहे हैं, क्या करोगे? आई थिंक ये पर्सन शायद इसी में कहीं पे अटक चुके हैं, बिकॉज ऑफ दैट इनको समझ में नहीं आ रहा है। 8 जो नंबर है ये शायद कहीं ना कहीं पे एक लोनलीनेस, उदासीनता का और अटक हुआ एक ऐसा नंबर है जहाँ पे इनको वे आउट नहीं मिल रहा है, बाहर कैसे निकले। मतलब गाड़ी पूरी तरह से लॉक है, ना पीछे के दरवाजे खुल रहे हैं, ना आगे के दरवाजे खुल रहे हैं, बस आगे बैठे हुए हैं, ये हो रहा है इनका हाल। ठीक है, कुछ और कार्ड देखते हैं। यस, ये कार्ड ध्यान खींच रहा है। ओके, चलो दो कार्ड आ गए तो आएंगे, वी कांट स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग। यस, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आ चुके हैं जी, इनको थोड़ा साइड में रखता हूँ। देखो 5 of Pentacles आ चुका है एंड साथ में ये आ गया है King of Cups। ओके, देखो 5 of Pentacles में क्या हो रहा है कि जैसे आप इस कार्ड को देख सकते हैं, दिस इज समथिंग बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग। ये अभी की जो सिचुएशन है ये उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, शायद इन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन अभी इनको इससे गुजरना पड़ रहा है। आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक मैनिपुलेटेड, शायद आपने नहीं लेकिन सिचुएशन ने शायद मैनिपुलेट कर दिया है और ऐसे हालत में इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, मेरा एक रियल फ्रेंड है, उससे मैंने बात की, उसकी मॉम रियली इंटरेस्टेड है टू गेट हिम मैरिड, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड नथिंग इज हैपनिंग, नीदर ही इज गेटिंग अ रिस्पॉन्स, और अगर मिल भी रहा है तो इस हालत में कैसे बाहर जाएंगे, वो खुद बाहर जाने से डर रहा है। वैसे में इतना उसको मन था कि आई शुड गेट मैरिड, नहीं वो नहीं मैरी कर रहा है, और कैसे होगा बिकॉज सिचुएशन लाइक दैट वे। तो ऐसे में जो सिचुएशन ऐसी हो रही है, या तो ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, ब्रोक डाउन हो गए हैं पूरी तरह से, मतलब पैसे नहीं हैं, या फिर पैसे कम पड़ गए हैं, या फिर कोई ऐसी हालत हो गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने भुवन बाबू का एग्जाम्पल दिया आपको, उनके माता पिता नहीं रहे ना, वॉट अबाउट अ पर्सन यूट्यूब स्टार लेकिन विदाउट पेरेंट्स, और उन्हीं के किरदार वो निभाता था कि अभी पापा का किरदार, मामी का किरदार, तो हम बस बात कर रहे थे कि आगे से वो कैसे वो सब क्रिएट करेगा। जस्ट इमेजिन, क्या उसको अपनी पेरेंट्स की याद नहीं आएगी, क्या वो नहीं रोएगा? अब ऐसे हालत में अगर हम आप खुद की बात करते हैं, सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, लेकिन कैसे कनेक्ट करेगा, है ना।
देखो, अगर रिलेशनशिप पहले से ही फॉर्म है, तो आपकी मैरिज हुई है, हमारे पे मैरिज को ही कमिटमेंट कहते हैं, तो ऐसे में तो ये पर्सन शायद आपसे कुछ उम्मीदें लगा रखा है, आप भी उनसे कुछ उम्मीदें लगा रखा है कि आप इनका साथ दोगे, वो आपको साथ देंगे। लेकिन अगर दूसरी बात करते हैं तो फाइनेंशियल चीज़ें जब गिर गई हैं और कहीं ना कहीं इनका आत्मविश्वास अगर गिर गया है तो क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को लेके उदास बैठा है, सिंगल है और आई थिंक उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अकेला है, आई मीन पूरा अकेला पड़ चुका है। ही डजंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली, ओके, ही इज़ लाइक इनसाइड एन ओशियन, जहाँ पे सभी तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, बाहर निकलने का कोई तरीका फिलहाल तो नहीं है। अब जब उसका मन खुद बना लेगा एक डिसीजन, तब वो इस चीज़ से बाहर निकलेगा, लेकिन तब तक शायद आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। दिस पर्सन इज़ लाइक रॉटन समवेयर, कहीं ना कहीं अटक चुका है, फंस चुका है और वहाँ पे ही धस रहा है, और अब इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आई थिंक उसको आपसे बातें करने की ज़रूरत है, आप उनसे बातें कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसके माइंड के ऊपर कि क्या करें क्या कहें। देखो, इसके सपने जो है वो शायद खारिज हो चुके हैं, इतनी पैसे नहीं है इसके पास, ऊपर से टैक्स भरना है, ये करना है, वो करना है, कैसे करेगा ये सब। जब दिमाग काम नहीं करता तो दिल की सोच के वो क्या करेगा, और इसलिए शायद ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहा है। एक और कार्ड देखते हैं, शायद इससे एक और शायद क्लू मिल जाए। ओके, एंड ये है 5th कार्ड। ओके, जैसा सिचुएशन है वैसे ही कार्ड आ गया, 3 ऑफ सोर्स। आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन है वो शायद कहीं अटक चुका है, शायद कुछ वक्त के लिए आपसे बातचीत ना करें। ओके, आपको शायद लगेगा कि भाई ये पर्सन आपसे शायद रिश्ता ही ना तोड़ दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है उसको लोनलीनेस की ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये शायद आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, शायद उसको लग रहा है कि इससे अच्छा प्रपोजल आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ओके, ये उसकी सोच हो सकती है, शायद आपके भी दिल में एक बार ही सही ये ऐसा सोच, ऐसा ख्याल, या फिर आपके पेरेंट्स से थ्रू, आपके फ्रेंड के थ्रू ऐसा ख्याल आ सकता है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अटक चुका है। ओके, अगर आप दोनों हैं तो शायद थर्ड जो सॉर्ड है वो शायद पैसा है, या फिर वो शायद उसके सपने हैं जो चूर चूर हो चुके हैं और जो अब बीच में आ चुके हैं, है ना। शायद जब आप दोनों पहले मिले होंगे तो आप दोनों ने कहा कि हम पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे और अपने सपने सजा लेंगे। शायद आपके सपने पूरे हो रहे हैं लेकिन इनके सपने चकनाचूर हो गए हैं, तो वैसे हालत में ये आगे नहीं बढ़ना चाहते और फिलहाल तो नहीं बढ़ सकते, फिलहाल के लिए शायद आपको ही इनको समझ के लेना होगा। ठीक है, सो ये था रीडिंग रिगार्डिंग द 1st टैरो। ठीक है, तो इसको रखता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखते हैं 2nd टैरो में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं 4 बार का शफल, देखते हैं कि हमें रीडिंग क्या मिलती है। चलो कार्ड तो आ गए, देखते हैं क्या है रीडिंग। ओके, कौन सा कार्ड ध्यान खींच रहा है। यस, बहुत सोचना पड़ता है। चलो, ये आ गया है पहला कार्ड, वो द टावर। पहला एक कार्ड द टावर आ गया। ओके, फर्स्ट जो अगर आपने रीडिंग देखी है 1st टैरो की, तो 2nd टैरो तो समथिंग कनेक्टिंग। ओके, फिलहाल अलग अलग रीडिंग आती हैं तो देखते हैं। देखो, टावर कार्ड को हमेशा डिप्रेसिव नहीं लेना चाहिए। ओके, टावर का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं और वो आपके लिए सुकूनदेह भी हो सकता है, यू नो, एंड दैट इज़ गोना बी अ गिफ्ट। ओके, याद है जब मैंने फोटोज पब्लिश किए थे कि मेरे मुझे एक इंजरी हुई थी, पानी गिर गया था एंड वो स्वेलिंग बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फिर वो ठीक होने लगे। इट्स लाइक द टावर, टावर सिचुएशन हैज़ हैपेंड, मैं उससे बाहर निकल रहा था, तो ऑब्वियसली तकलीफ हुई लेकिन जल्दी मैं उससे बाहर निकला, है ना। तो ये जो बातें हैं कि कुछ तो खो रहे हैं आप, लेकिन खोने के बावजूद कुछ पाने का तो एहसास है। ये जो पल है ये आपको शायद आप खुद को ही जज करते हैं, लेकिन एक ऐसा पल है जहाँ पर आपको खुशी मनानी चाहिए कि भाई समथिंग इज विथ मी, कुछ तो है मेरे पास, है ना। आई थिंक ये जो पल है ये हर कपल के लाइफ में कभी ना कभी तो आता ही है, जब आप आपकी टेस्ट होती है, आपके रिलेशनशिप की ट्रस्ट की टेस्ट होती है कि क्या आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। क्या कभी ऐसा अगर पल आएगा जहाँ पे आपको इन में से और किसी और में से किसी को चुनना है तो आप क्या करोगे, है ना। तो द टावर मोमेंट, टावर सिचुएशन कहीं ना कहीं कई बार आती है ज़िंदगी में, बस आप उस वक्त क्या सोचते हैं और कैसे निभाते हैं अपने रिश्ते को, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, है ना। अगर हम सिंगल पर्सन की बात करें तो उसको भी ये सिचुएशन से गुजरना ही पड़ता है ना।
कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अंत में जीत तभी होती है जब हम ये सोचते हैं कि जो मैंने किया वो सही है। देखो, सिचुएशन कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती, और यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हम कहते हैं कि वी कैन कंट्रोल द यूनिवर्स, हमें खुद के बाल तक काटने नहीं आते और हम यूनिवर्स कैसे संभालेंगे, है ना? दैट इज अ रियल थिंग। द मेन थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई डेस्टिनी का एक प्लान होता है और हम सब इस प्लान को ही फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली हमें एक चॉइस दी जाती है, एज पर आवर कर्म हमें चॉइस मिलती है। अब उस चॉइस को जब हम चुनते हैं तो एक और कर्म बनता है, ठीक है? अब उसके आगे आप क्या करते हो ये आपके ऊपर है। देखते हैं सेकेंड कार्ड क्या आता है। चलो, ही कार्ड आ रहा है मेरे हिसाब से। ओके, एंड ये जो कार्ड है वो है जस्टिस। वाओ, जस्टिस का कार्ड आ गया, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। इंट्यूशंस मिलते हैं तो बहुत स्ट्रांगली मिलते हैं। ओके, जस्टिस कार्ड ओवर हियर रिप्रेजेंट्स समथिंग टू बी रिस्टोर्ड, ठीक है? अगर आपका बिलीफ, अगर आपका फेथ कहीं ना कहीं घायल हो चुका है या फिर खत्म होने के आधार पर है, तो आप उसे वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं। यू वॉन्ट जस्टिस, ठीक है? कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसे एनर्जी फील हो रही है कि समवेयर समथिंग हैज़ बीन लॉस्ट। शायद इस पर्सन ने कोविड के टाइम में या हाल ही में कुछ खोया होगा, बहुत ही अजीज पर्सन को शायद खोया होगा, या फिर आपने किसी को खोया होगा, या फिर समथिंग हैज हैपेंड रिगार्डिंग दिस पर्सन और आप शायद पेन में हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। ये वाइब मुझे मिल रही है। जस्टिस मीन क्या होता है कि भी कई बार हम जस्टिस की डिमांड करते हैं, जो मेरे साथ हुआ वो अन्याय था और मुझे अब जस्टिस चाहिए। ओके, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड अ प्रोसीजर जो हो ही नहीं है लेकिन हो सकती है या होने वाली है। आई थिंक एक लड़ाई की आशंका है। ओके, एंड मे बी यू आर ट्राइंग टू सेट अप समथिंग। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिस चाहता है। दिस पर्सन लुकिंग फॉर जस्टिस, एंड आई थिंक इसी बात को लेके वो शायद हैरान परेशान है। अगर ये पर्सन कहीं पे एज अ सोल है तो शायद परेशान है, जूझ रहा है परेशानी से, बिकॉज दिस इज अबाउट योर रिलेशनशिप। अगर आज भी आप उनके सोल से कनेक्टेड हैं तो शायद ये फीलिंग उनसे अटैच हो सकती है आपके लिए। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड, उसे कनेक्ट होना है और ज़िंदगी में सब सही करना है, ठीक है? जस्टिस पाना इतना भी आसान नहीं होता। ओके, जस्टिस कार्ड तब आता है जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ सही करना चाहते हैं, मतलब पहले से ही कुछ गलत हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक गलत को सहते हैं और फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो गलत को सहन ही नहीं कर सकते, एंड देन दे डिमांड जस्टिस। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। यस, दोनों कार्ड मेरे हिसाब से आ रहे हैं यहाँ पे। यस, स्ट्रेंथ एंड द मून। देखो, दो कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं जो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, द मून एंड द स्ट्रेंथ, दोनों कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, इफ यू कैन सी क्लियर द मून। देखो, द मून इज अ कॉलिंग कार्ड, वाइल स्ट्रेंथ इज अ कार्ड जो आपको खुद को अंडरस्टैंड करना होगा। और ताजुब की बात है, दोनों ही मेजर अखाना है, ठीक है? देखो, द मून ऐसा एक कार्ड है जहाँ पर ये पर्सन जो है वो शायद अपने दिल की फीलिंग बयां करना चाहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुकी है। आई डोंट नो वाई, बट आई जस्ट गॉट दिस काइंड ऑफ फीलिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा शायद हुआ है, एंड मे बी यू आर मिसिंग दिस पर्सन अ लॉट। ठीक है, ऑब्वियसली आपका फेथ रिस्टोर हो सकता है क्योंकि जस्टिस कार्ड तो आ गया है, सो यू वॉन्ट टू रिस्टोर द फेथ। लेकिन द मून कार्ड जो है वो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, योर थॉट्स, योर हार्ट। आप शायद अपने हार्ट में बहुत, आपके हार्ट में शायद बहुत कुछ चल रहा है, आपके दिल में, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है और उसको लेकर शायद आप परेशान हो सकते हो। इससे अगर आपको बाहर निकलना है, अपने मन से जूझना अगर आपको रोकना है, तो आपको विश्वास करना होगा अपने पर्सन पर। दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ। अगर आप अपने प्यार के ऊपर भरोसा करते हैं किसी भी हालत में कि भाई मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, बात ऐसी होती है कि जब हम किसी को बहुत चाहते हैं तो उनके साथ कभी भी कुछ बुरा ना हो, ये हमारी सोच रहती है, लेकिन यही सोच हमें कमज़ोर करती है। ओके, हमें एक ट्रूथ को एक्सेप्ट करना होगा कि ज़िंदगी हमारे अंडरस्टैंडिंग के और कंट्रोल के बियॉन्ड है। कभी आपने सोचा था कि आप जिससे प्यार करोगे वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, उसका नाम यही होगा और उसकी हाइट कदकाठी इतनी होगी? नहीं, वी हैवंट डिसाइडेड। लेकिन आपको वो पर्सन मिल गया और आप उसके प्यार में पड़ गए। ओके, ये कैसे होता है?
ये तब होता है जब आपके दिल मिल जाते हैं। दैट इज़ द थिंग व्हेन यू से कि भाई मेरे डेस्टिनी में तुम ही लिखे हो। आपको पता है कि आपको एक चॉइस करनी थी और आपने चॉइस की और आपको ये नतीजा मिल गया। द मून में आप शायद खुद को सवाल पूछ रहे हैं, ओके अगर ये पर्सन शायद बहुत दूर चले गए हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अटक चुके हैं ज़िंदगी में, तो शायद आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इनकी हेल्प किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और अगर मुझे इनकी हेल्प करनी है तो कैसे करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्या मैं खुद से उनके से कनेक्ट हो जाऊँ या फिर ना कनेक्ट हो जाऊँ, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हर्ट करती हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ जो कार्ड है वो आपको ट्रस्ट करना होगा इसके ऊपर और अपने आप के ऊपर कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा सुधार होगा और ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि भालू जो होते हैं आमतौर पर सर्दियों में सो जाते हैं, मे बी पोलर भी है फिर विंटर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे, उसके लिए उनको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। यही उनकी स्ट्रेंथ बनती है जो उन्हें बाद में जब वो हाइपर स्लीप में जाते हैं तब उनको हेल्पफुल रहती है। सिमिलरली आपको भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अगर आप अपने प्यार के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं तो डोंट वरी, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी जब आप और आपका प्यार दोनों बच जाएंगे, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं ताकि कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ओके यस, यहाँ गया फिफ्थ कार्ड, दैट इज़ ऑल अबाउट टू ऑफ कप्स। ये फाइनली ये कार्ड आ रहा है टू ऑफ कप्स, ओके, जिसकी ज़रूरत थी फाइनली। देखो फाइनली आई थिंक बोथ ऑफ यू आर कमिंग टुगेदर। शायद आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव हुए या फिर कुछ हादसे हुए हैं। मे बी आपने शायद अपने किसी करीबी को बहुत गम से, यू नो, ज़्यादा गम से गुजरते हुए देखा होगा, फिर यू माइट हैव लॉस्ट समबडी वेरी स्पेशल टू यू। अब ऐसे हालत में शायद आप दोनों के लिए ही ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं थी अपने ज़िंदगी से बाहर आना, लेकिन आप बहुत जल्दी इससे सवार लोगे और जल्दी निकल के बाहर आ जाओगे और आप दोनों ही शायद बहुत जल्द एक हो जाओगे। देखो टू ऑफ कप्स का मतलब है कि फाइंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग लव इन टुगेदरनेस, ठीक है। प्यार का मतलब बस ये नहीं होता कि आप दोनों को कुछ अट्रैक्शन फील हुआ एंड देन यू आर कनेक्टेड, नहीं। प्यार हर वक्त होता है, जब आप उदास हो, जब आप अकेले हो, जब बहस छिड़ गई हो, अगर प्यार आपके साथ है तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में शांत हो जाओगे, आप सही निर्णय लोगे, कि प्यार आपको गलत निर्णय लेने से बचाता है। आई थिंक टू ऑफ कप्स ये तब आ रहा है जब आप दोनों अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वी हैव आवर ओन लाइफ, आपकी अपनी भी एक ज़िंदगी है, लेकिन इसके अलावा एक और ज़िंदगी है जहाँ पर आप किसी के साथ हैं और आप एक कपल हैं। शायद दोनों ही किसी चीज़ से गुजर रहे हैं और फाइनली मोमेंटम आ रहा है जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक अगर आपको यही सुनना था तो हाँ, आप दोनों बहुत जल्द करीब आ सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये था सेकंड, और अब देखते हैं थर्ड में क्या रीडिंग आती है, जो काफ़ी दिनों बाद में ये टैरो डेक यूज़ कर रहा हूँ। चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। फर्स्ट कार्ड क्या आ सकता है देखते हैं। चलो यस, फर्स्ट कार्ड तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट टू ऑफ कप्स। वाओ, जिस पे एंड हुआ सेकंड वही थर्ड पे आ गया है, टू ऑफ कप्स। आप दोनों शायद साथ में हो और आप दोनों शायद करीब हो, या फिर आप दोनों को एहसास है कि आप दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने हो। मेबी आप दोनों ही शायद फन, एन्जॉयमेंट, अट्रैक्शन, ओके, सेक्शुअलिटी, हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो। जब भी आपकी भावना होती है एक दूसरे से बात करने की, आप बात करते हो। जब भी आपको लगता है कि एक दूसरे से कोई चीज़ शेयर करें, आप शायद शेयर कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन दैट, शायद लिटरली नहीं, लेकिन मन से तो बात शेयर करते हो। और ऐसा भी होता होगा कि जैसे ही आपने इनको याद किया, ये शायद आपको ट्रू कॉलर पे ऑनलाइन दिखते हैं या फिर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखते हैं, ठीक है। एंड आई गेस यू नो कि ये आपके लिए ही आ गए हैं, कहीं आप भी तो ऑनलाइन नहीं हो। आई थिंक ये बात ऐसी है कि आप दोनों ही किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। अब आप दोनों बातें करते हो या नहीं वो शायद अगले एक दो कार्ड में दिखेगा, लेकिन समवेयर ये कार्ड जो है वो दिलों के बहुत करीब है। यू फील अबाउट दिस पर्सन, आपको इस पर्सन के लिए बहुत सारी फीलिंग है, बहुत सारी अटैच फीलिंग है, और आप किसी भी हालत में इस फीलिंग से जुदा नहीं होना चाहते, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाली बात यह है कि क्या आप इनको अंडरस्टैंड करते हो या फिर इनके ऊपर अपना हक जताते हो। दिस पर्सन ट्रूली केयर्स अबाउट यू, और बिकॉज दिस पर्सन ट्रूली केयर्स अबाउट यू, वो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का जिम्मा देते हैं, ओके। अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो ये आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। दिस पर्सन विल कम्युनिकेट टू यू एंड विल टॉक टू यू,
ठीक है। तो बस इतनी बात है कि क्या आप फील करते हो एक दूसरे के बारे में, अर्थात यही बात यहाँ पे जाननी बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, थोड़ा सा कार्ड मैसेज फैलाता हूँ। यस, सेकंड कार्ड आ चुका है, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वन जो कि है द टावर। वाओ, ये सेकंड टाइम आ चुका है। ओके, अब मैं एक्चुअली इसे क्लियर करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक और कार्ड लेना होगा। ओके, ये आ गया थर्ड कार्ड। यस, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रिंसेस ऑफ सोर्स। यस, द टावर सिचुएशन हैज केम ओवर हियर, और जैसे मुझे लगा था द टू ऑफ कप्स का कार्ड, शायद आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे डिपेंडिंग ऑन दैट, लेकिन द टावर कार्ड हैज कम, टावर कार्ड आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे इट्स लाइक गेटिंग अवे फ्रॉम समथिंग। ओके, आपको किसी चीज़ से दूर जाने की ज़रूरत है और वो शायद आप कर रहे हैं। ओके, शायद किसी ने आपका बुरी तरीके से दिल तोड़ा है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। देखो, अट्रैक्शन और प्यार, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। ओके, एंड आई डोंट नो व्हाट यू फील एग्जैक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं पे शायद आपको फ़र्क महसूस हुआ। ओके, आई थिंक जब तक आपको लगा कि आपका जो अट्रैक्शन वाला प्यार है वो टिकेगा, वो टिका रहा, और जिस पल आपको एहसास हुआ कि यहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो शायद आपने खुद ही वो टावर गिरा दिया। टावर और कुछ नहीं है, शायद किसी के लिए एक ईगो हो सकता है, शायद किसी के लिए एक चुनौती हो सकती है, शायद किसी के लिए कोई एहसास हो सकता है, या फिर किसी के लिए एक रिश्ता हो सकता है। कई बार हम ऐसी चीज़ करने से कतराते हैं जो हमें बाद में दुख देगी। ओके, लेकिन बिकॉज ऑफ समथिंग हमें वो चीज़ करनी ही पड़ती है। जैसे कि दांत निकालना, ये बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन बिकॉज वी आर इन ट्रबल हमें वो करना पड़ता है। कई बार लोग जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो अपने बाल काटते हैं, ठीक है, एंड लाइक ये क्यों होता है? क्योंकि आपको वो चीज़ करनी पड़ती है ताकि आप अंदर से शांत हो जाए। आई थिंक दिस हैज़ हैपेंड, मे बी यू नीड टू थिंक अबाउट दिस पर्सन वेरी केयरफुली। शायद ये आपके इस पर्सन के बारे में हो सकता है, या फिर कोई और पर्सन जिससे शायद आप कभी कनेक्टेड हो, एंड उनके साथ शायद आपका एक टू ऑफ कप्स वाला एक अट्रैक्शन वाला रिश्ता हो। ओके, और वो कहीं ना कहीं टूट के गिर रहा है। ओके, मुझे एक फिल्म याद आ रही है जहाँ पे एक मदर और एक उसकी डॉटर, उसका हस्बैंड और उसकी एक बहन थी, ठीक है, तो ऐसी कहानी थी। वो मदर बहुत ही कॉन्शियस दिखाई गई है उस फिल्म में, कि मतलब अपनी बेटी को कहेगी यू नो, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से अपनी बहन, अपनी डॉटर को ट्रीट करना। लेकिन एक बार उसके फ़ोटोज़ दिखते हैं जो उसकी बहन लाती है, उनमें वो दोनों यू नो अपने 20s में बहुत ज़्यादा फ़न क्रिएट करते थे, बहुत ही ज़्यादा फ़न, मतलब इतना फ्रीडम कि आप सोच नहीं सकते। सो वो एक अलग बात थी और अभी की अलग बात है। तो ये है द टावर सिचुएशन, जहाँ पे आप किसी एक चीज़ को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आई थिंक वो हो रही है, फिर भी आई थिंक आप उसको अपोज कर रहे हो किसी न किसी तरीके से। यू नो, हमारे घर में कोई एक चीज़ होती है और वो टूट जाती है, फिर भी हम किसी न किसी तरीके से उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक फिल्म याद है, आई थिंक सॉकर, कुंग फू सॉकर ऐसा कुछ तो नाम था उसका, और उसमें यू नो एक लड़की थी और उसके हाथ वो आई थिंक कोई तो एक लॉलीपॉप जैसा कुछ तो था, ओके, गोल था और वो टूटता है, तो वो जोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वापस से टूटता है। आई थिंक वही होता है, कई बार हम रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई रिश्ता टूट जाने वाला है तो टूटेगा ही। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड इज़ लाइक अ लाइटनिंग क्वीन, आई थिंक आपको एक नया रास्ता दिख रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है, और वो आपको किसी न किसी हालत में एक्सेप्ट करनी होगी। देखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन आई थिंक या तो ये सिचुएशन आपने खुद क्रिएट की है, मतलब आपने अपने लिए ये खुद ऑप्शन चुना है, या फिर कि भाई आप अपने ज़िंदगी में कुछ नया लेके आए हो। ओके, देखो, कोई पर्सन शायद सच में आपके प्यार में पड़ चुका है और वो आपको बुला रहा है कि भाई वी कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। ओके, हमारा भविष्य ये होगा, और वो भाई भविष्य हमारा इतिहास कहलाएगा, जो कि बहुत ही रोमांचक होगा। लेकिन क्या आप इसके लिए रेडी हो? टू ऑफ कप्स के बाद डायरेक्टली द टावर कार्ड, मतलब कहीं ना कहीं पे आप एक रिश्ता शायद छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई बस एक ही जगह पे टिके हुए हैं और वहाँ से आपको समाधान मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, आपको खुद कोई चीज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फोर्थ कार्ड मेरे हिसाब से ये आ रहा है, एंड दैट इज़ नाइट ऑफ कप्स। यस, कोई पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है अपना प्यार लेके, या तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या फिर आप उसकी तरफ जा रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज
देखो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है। ज़िंदगी में आप किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि लोग कहते हैं कि मुझे अगर कोई बल्ब लेना है तो उसके ऊपर मैं लिख दूंगा कि भाई ये मैंने कब ख़रीदा, ताकि अगर वो वारंटी में ख़राब हो गया तो मैं उसे रिपेयर करवा लूँ, रिप्लेस करवा लूँ। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी ही आपको धोखा दे तो क्या होगा, वो तो रिप्लेस नहीं होती। नाइट ऑफ कप्स में ये पर्सन शायद आपकी तरफ आ रहा है एंड ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई पर्सन आपकी तरफ अपनी दिल की हालत कहने के लिए आ गया है सो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि आप किसी को समझने की एक और कोशिश कर सकते हो। हालांकि पहले आपको इस चीज़ से उभरना पड़ेगा जो कि है द टावर, लेकिन आई थिंक आप उभर चुके हैं क्योंकि प्रिंस ऑफ सॉर्ड इसको कनेक्शन देती है। आई थिंक फाइनल कार्ड जो आ रहा है, यस ये हो सकता है द फाइनल कार्ड। ओके हम लेते हैं इस कार्ड को एंड ये है टेन ऑफ कॉइंस। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी खुशियाँ आ रही हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि शायद आपका रिश्ता किसी से था जुड़ा हुआ, वो टूट गया है या टूट चुका है और ये पर्सन शायद आपके लिए एक अरेंज मैरिज करके हो सकता है एन ऑप्शन, और आई थिंक यही हो रहा है। या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे कह रहा है कि आई एम देयर फॉर यू। ओके एक मैंने एक्सपीरियंस किया था अपनी ज़िंदगी में, एक पर्सन को मैं जानता था, वो एक आईटी कंपनी में बहुत ही अच्छे पोजीशन पे थी। ओके एंड शी वॉज लिविंग हर लाइफ द वे शी वॉन्टेड एंड उसका एक फ्रेंड था जो उसके ऊपर क्रश रखता था, वो उसकी पूरी हेल्प करता था। ही जस्ट वॉन्टेड टू एंटर इन हर लाइफ, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीती थी। ओके शी वॉजंट स्लेव टू एनीवन, वो किसी की भी नहीं सुनती थी, अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक, ना तो किसी के शायद प्यार में थी, शायद एक बार थी और शायद वो प्यार खो गया था, फिर ऐसा कुछ हो गया था। नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ हर, अगर वो उससे कम्युनिकेट करती है तो उसके ज़िंदगी में आ जाएंगे टेन ऑफ कॉइंस। ओके और अगर ऐसा होता है सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुशियों वाली हो सकती है। लेकिन शायद कोई लोग इसको एडजस्टमेंट कहेंगे, शायद कोई लोग इसको प्रैक्टिकल मूव कहेंगे, हर एक का जवाब अलग अलग होता है। आप इसको क्या समझते हैं आपके ऊपर है। देखो प्यार जो चीज़ होती है वो सिर्फ एक दिल से नहीं निकलती, वो दोनों दिल से निकलनी चाहिए, और अगर एक दिल से निकलती हैं तो आप इस चीज़ को अपने दिल से नहीं निकाल पाओगे तब तक जब तक कि आप प्यार की व्याख्या नहीं समझोगे। प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो हमेशा से ही रहती है, जैसे कि हवा है वो रहेगी ही, पानी रहेगा ही, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हवा बहती है, पानी भी बहता है, यू नो वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना दिल उसके अंदर भावनाएं पकड़ के रखते हैं, उसको हम बाहर जाने ही नहीं देते और वहाँ पे अटक जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव होने वाला है तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप जो हो वो बदल रहे हो। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड एक आपके लिए बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन के आ गया है, और कहीं ना कहीं एक पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है, वो भी अपनी दिल की पूरी हालत लेके। ऐसा कहते हैं कि उससे शादी करो जो आपसे प्यार करता है, ना कि उससे जिससे आप प्यार करते हो, ताकि आप खुशी मनाओगे और आप खुश रहोगे। तो था आज का रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।